देखिए व्यवग्रह का काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए, इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मुझे कर रहे हैं, टारगेट मुझे तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है, 5 सरकारें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहां क्या क्या नहीं किया इन्होंने, हॉटसेटिंग करके सरकार बना ली वहां पर, यहां दाल गली नहीं उनकी। इतने जानपुर के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनको मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे इनको, कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको पक्षेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको, जहां जहां ईडी गई है, मैंने एग्जाम दिया कर्नाटक का आपको, 22 बार हमले हुए वहां पर, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में हमले हुए वहां पर, और वहां किसके ऊपर हुए सुनिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दूतासा यहां पर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर है, डीके शिव कुमार पर हमले हुए और बीजेपी साफ हो गई और यहां साफ हो जाएगी बीजेपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।